मॉर्निंग, आई एम अनिल अग्रवाल, फॉर्मर चीफ मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक। सो IBPS PO रजिस्ट्रेशन एंडेड लास्ट नाइट एंड एज पर द डेटा अवेलेबल द टोटल रजिस्ट्रेशन इज 6,93,000 एंड दिस इज हायर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर दिस रजिस्ट्रेशन वॉज 6,68,000। सो नंबर इज हायर एंड वी वर एक्सपेक्टिंग दैट दिस ईयर नंबर विल बी हायर बिकॉज द अपॉर्चुनिटीज आर श्रिंकिंग and more and more people are looking for the jobs wherever available, and still banking recruitment is going on every year despite vacancies by SSC. Still the people are aspiring for banking job because wherever job is there people will apply. So some people start discussion that people are going here and there. It is not a choice of candidates now, it is important where job is available. So work hard, competition is there and the competition will remain in coming years also. But if we prepare systematically and if we move in right direction, we can be successful despite this much number of registrations, because always serious candidates may be much, much lesser than this. And we can expect around 2 lakhs may be the serious candidate this year also, but number of serious candidate may be higher this year than last year because the candidates, those could not clear in the last chance, they normally put more efforts in the next chance. So you have to prepare very well for success. God bless you all. Ab yahi baatein hum hindi mein karenge. IBPS PO ki registration raat ho gayi khatam raat ko, aur ye registration nikal ke aayi hai 6,93,000. Pichle saal ye 6,68,000 thi. इस साल की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा है और ये उम्मीद भी की जा रही थी कि इस साल रजिस्ट्रेशन ज़्यादा होगी क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी श्रिंक होती जा रही है। तो जहाँ पर भी जॉब की मौका मिलता है वहाँ लोग अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग डिस्कशन करते हैं कि SSC में चले गए, इधर चले गए, उधर गए, इसका कोई अर्थ नहीं है। SSC की वैकेंसी अपनी जगह है, बैंकिंग की वैकेंसी अपनी जगह है, और जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ लोग अप्लाई करेंगे। इसलिए रजिस्ट्रेशन का बढ़ जाना एक स्वाभाविक सी प्रकृति है, क्योंकि जो लोग एलिजिबल हैं वो हर जॉब के लिए एफर्ट करेंगे और जॉब मिलने के बाद उसमें से चूज करते हैं कि कौन सी उनके लिए ज़्यादा सुटेबल जॉब है। तो बैंकिंग कंपटीशन कंटिन्यूस टू बी टफ, इट इज़ नॉट इजी। और अगर हम ये लेके चलें कि रजिस्ट्रेशन संख्या बड़ी है तो कंपटीशन में थोड़ा इजाफा भी आ सकता है, मगर फिर भी हम ये देखेंगे जो सीरियस कैंडिडेट होंगे वो लगभग 2 लाख होंगे, मगर इस साल सीरियस कैंडिडेट पिछले साल से अधिक होंगे ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि जो लोग पिछली बार मार्जिनली रह गए हैं उन्होंने ज़्यादा एफर्ट इस बार लगाया है। और मैं जो देख पा रहा हूँ काफ़ी लोगों ने तैयारी अच्छी शुरू कर दी है, तो इसके लिए अच्छी मेहनत करिए। डेली वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, टाइम टेबल उसको फॉलो करिए, कामयाबी मिलेगी। जो लोग एफर्ट कर रहे हैं कामयाबी मिल रही है, मतलब कंपटीशन तो बढ़ रहा है। इसको कोई अगर डिनायल मोड में है कि कंपटीशन नहीं बढ़ रहा या लोग अप्लाई नहीं कर रहे तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ऐसी बातें करके। कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग अप्लाई कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी सीमित हैं, ये हमेशा हमें दिमाग में रखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल।